हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने पिछले लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड किया था स्टूडेंट, स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर। और इस लेक्चर में फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कि हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर विद इन अ सेकेंड, है ना। तो एक आध सेकेंड में, एक आध मिनट में हम कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। टू डिजिट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कितने की, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट की बात हम कर रहे हैं। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया कि 25 है, जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। देखिए 5 का हमको लर्न है, 25 और 2 के अगली संख्या क्या है 3, और 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा 625 क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 25 का। इसी तरह 35 का देखिए स्टूडेंट, 35 को क्या हो जाएगा 5 जा 25, देन 3 के अगली वाली संख्या क्या है 4, तो 3 4 जा 12, तो 12 25। इसी तरह मैंने 45 को आपको बताया, 45 को क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, और 4 की अगली संख्या एक है तो 5 4 5 जा 20, तो 20 और 25। इसी तरह 95 को देख लीजिए, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और 9 की अगली संख्या क्या है 10 9 10 जा 90, तो 90 25 हो जाएगा 95 का स्टूडेंट। अब चलिए जिनके लास्ट में 5 डिजिट नहीं है, जिनके लास्ट में या यूनिट प्लेस में 5 नहीं है, उनका हम कैसे फाइंड करेंगे विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट में। देखिए चलिए हमारे पास जैसे है, मान लीजिए 14 है, ठीक, 14 का हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 14। तो देखिए 4 है यहाँ पे, आप क्या करिए 4 का स्क्वायर करिए, 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16, ठीक। इसके बाद 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 1, ठीक है, टू डिजिट में लिखेगा 0 1। अब देखिए इसके बाद क्या है 4 और 1, इसको हम क्या मानेंगे ए और बी, तो 1 4 जा 4 और 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 6 और 8 और 1 9, और ये क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 4 का 196, 4 का कितना आ जाएगा स्टूडेंट 196, ठीक। चलिए अब देखिए ये तो बात हुई 25 वाले की बात, चलिए इसको पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रोवाइड कर चुका है। तो अब देखिए हमारे पास टू डिजिट के हैं, मान लीजिए हम देख लेते हैं 16 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 19 हो गया, और फिर देखिए यहाँ से स्टूडेंट मान लीजिए ले लेते हैं 24, ठीक है। 24 के बाद हमारे पास क्या है, जो आप बोलिए, हम 26 ले लेते हैं, 37 ले लेते हैं, और ले लेते हैं 42, ठीक, क्या ले लेते हैं 42, ठीक। अब देखिए जैसे सबसे पहले 42 की बात कर रहा हूँ, किसकी 42, आप देखिए ए, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे 4 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, मतलब इसको a और इसको b, किसको मान लें इसको a और इसको b। तो देखिए यहां से 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 0 और 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 4 4 जा 16, तो यहां लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए 4 और 2 है, इसको a माने इसको b, 4 2 जा 8, ठीक है a इंटू बी, तो 4 2 जा 8 और 2 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 2 जा 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16। अब देखिए कैसे राइट करते हैं, ये 4 आ गया और 0 को प्लस करेंगे 6 को, देखिए 4 का 4 ऐसे टीज करिए और 0 को प्लस करेंगे 6 से तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 1 को प्लस करिए 6 से तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 1 17, तो क्या हो जाएगा 42 का 1764 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह देखिए 37 के स्टूडेंट, किसका 37। अब देखिए कोई स्टूडेंट बोलेगा सर कि आपको बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम इस लगा स्टूडेंट कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, इसलिए अगर मैं करूँ तो विद इन अ सेकेंड में कर दूं। चलिए अब देखिए फिर से इसको 37 को हम क्या मान लें, ए को क्या मान लें 3 और बी को क्या मान लें 7, बी को क्या मानना है लेट करना है 7, तो देखिए 37 है, तो 37 का क्या हो जाएगा 7 7 जा, देखिए सबसे पहले बी का कर देते हैं 7 7 जा कितना 49, ठीक। इसके बाद 3 का क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 0 9। अब देखिए ए 2 इंटू ए इंटू बी, तो इसको ए इसको बी, तो 3 7 जा
21 और 21 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 42, 21 2 जा 42। अब देखिए किसको राइट करना है, सबसे पहले 9 को एज इट इज, इसके बाद 4 का प्लस किससे करना है 2 को, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, इसके बाद इस 4 को इस 9 से प्लस कर देना है, तो 4 9 कितना हो जाएगा 13, तो हमारे पास 37 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ चुका है 1369, या फिर इसको 1369 पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे से समझना है। अब चलिए देखिए 26 का, इसी तरह 26 का सबसे पहले क्या 6 को क्या मान लिए बी और इसको मान लिए ए मानिए। ठीक, तो 6 क्या हो जाएगा 6 जा 36, तो पूरा लिख दिए। इसके बाद 2 का 2 जा 4, तो 04। अब देखिए 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, तो 24, तो यहां से क्या आ जाएगा 6, यहां से 4 3। अब देखिए 4 को ऐड करेंगे, ए 3 को 4 के साथ ऐड करेंगे, 3 4 क्या हो जाएगा 7 और 2 4 कितना हो जाएगा 6, तो 26 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 676 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, जस्ट लाइक 24 का। तो 24 का देखिए 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और 2 का कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। अब a इंटू बी, तो 2 इंटू 4 8 और 8 2 जा 16, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16। तो ये देखिए 6 का एज इट इज रखिए और 1 को जोड़ना है 6 से, तो 6 और 1 7 और 1 को प्लस करिए 4 से, तो 1 और 4 और 1 5 576 25 का होगा। ठीक, इसी तरह 19 का देखिए 9 जा कितना हो जाएगा 81 और 1 का हो जाएगा 0 और 1 और 91 जा 9 और 92 जा 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18। तो ये 1 को एस इट इज लिखिए और 88 जा कितना आ जाएगा 16 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 1 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 361। ठीक, 19 क्या हो जाएगा 361। अब देखिए 18 का क्या हो जाएगा 88 जा 64, तो 64 और 1 का 1। ठीक, 1 में क्या होगा 1, अब 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यहां देखिए 4 और 6 का क्या हो जाएगा 66 प्लस 12 हो जाएगा, 12 की 2 कैरी 1 1 और 1 2 और 2 और 1 3 324 कितना हो जाएगा 324। इसी तरह देखिए 16 का देखिए 16 का क्या होगा 6 जा 36 और 1 का 1 इंटू 1 तो 1 और 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये 6 का 6 आ जाएगा 325 आ जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा, कितना आ गया 256। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए लास्ट में जिसके क्या नहीं है 5 नहीं है, तो उसका भी इतना आसान तरीके से आपको मैंने स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालना आपको बता दिया स्टूडेंट। तो देखिए वीडियो को पसंद करिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे भी हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।